अम्मी मैं सोच रही हूँ कि आज घर की सफाई कर दूँ। क्यों बेटा, तुम क्यों सफाई करोगे? हम सब है ना ये करने के लिए, और घर की सफाई तो रोजाना होती है, हम करते हैं। अम्मी आप क्यों अकेले काम करके थकती हैं? मैं हूँ ना, मैं आपका हाथ बटाऊंगी। बेटे मैं अकेली कहाँ काम करती हूँ, सकीना भी है ना मेरी मदद करने के लिए, तुम कुछ नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है काम करने की। चलो जाओ, शाबाश, जाके आराम करो। जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। भाई आज कैसे याद आ गई तुम्हें अम्मा जी की? बस क्या बताऊं अम्मा जी, कामों में बुरी तरह फंसा हुआ था। अब कुछ दिन की छुट्टी ली है तो अब रोज आपसे मिलने आएगा होगा। मसूद भाई आप चाय तो पियेंगे ना? मैं चाय बनाती हूं। नहीं की और पूछ। लेकिन पहले मैं जरा गुल से मिल लूं, फिर चाय पीता हूँ। अम्मा जी अगर आपको एतराज ना हो तो मैं गुल से अकेले में बात। अरे नहीं मसूद, मुझे क्यों एतराज होगा, तुम्हारी बेटी है, तुम जरूर मिलो, बात करो। जी शुक्रिया। क्या बात होगी गुल, तुम कल भी मेरी बेटी थी और आज भी मेरी बेटी हो, पर बहू बनने के बाद तो ये रिश्ता मजीद मजबूत हो गया। पर ये बेटी कभी भी अपने दिल की बात बाप से नहीं छुपाती। बेटा तुम्हारे और नौफिल के दरमियान जो कुछ भी हुआ इस बारे में मैंने भी कुछ उड़ती उड़ती खबरें सुनी थी, लेकिन मैंने उन पर बिल्कुल यकीन नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कोई ऐसी वैसी बात सोच ही नहीं सकता। यकीनन कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है, तो मैं चाहता हूं कि यह गलत फहमी जल्द से जल्द दूर हो जाए। फासले जितने ज्यादा बढ़ते हैं गलत फहमियां भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती हैं, इसलिए बेहतर यही है कि मिल बैठ के इस मसले का कोई हल निकाला जाए। मैं तुम्हारी बात भी सुनूंगा और नौफिल की, और हम तीनों के दरमियान कोई और नहीं होगा, और जिसका भी कसूर होगा मैं उसके कान खींचूंगा। ठीक है, मंजूर है तुम्हें? मुझे किसी से कोई शिकायत है ही नहीं अंत। शिकायत तो थी बेटा, जबी तो तुम घर छोड़कर यहां आ गई हो। देखो बेटा अगर तुम दिल की बात दिल में ही रखोगी तो ये मसला कैसे हल होगा? कैसे बताऊं अंकल को कि मैं इस बात को जबान पे लाने की हिम्मत नहीं कर सकती, सोचती हूँ तो नदामत से मर जाती। आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ अंकल कि मेरी वफा की हर एक सांस सिर्फ नौफिल के लिए, मैं उससे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकती और ना ही अपने खानदान के वकार पर आंच आने दे सकती। बस बेटा मेरे लिए इतना ही काफी है। बेटा मैं तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन शिद्दत से तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी और खुशी से अपने घर वापस आओ। आओगी ना बेटा? जीती रहो।